2015 JEE मेन का एक क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है. क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्शंस क्या क्या हैं? वन फिनाइल टू ब्यूटीन, थ्री फिनाइल वन ब्यूटीन, टू फिनाइल वन ब्यूटीन, वन वन डाई फिनाइल वन प्रोपीन. ठीक है ना. मैं क्या करता हूं, इनके स्ट्रक्चर्स बना लेता हूं. ठीक है ना. ऑप्शन ए में है वन फिनाइल टू ब्यूटीन. तो वन फिनाइल टू ब्यूटीन का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड यहां पर है. ठीक है ना. वन फिनाइल का मतलब ये हुआ CH2PH. ठीक है ना. PH CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3. वन फिनाइल टू ब्यूटीन. ठीक है ना. दूसरा है थ्री फिनाइल ब्यूटवानीन. ब्यूटवानीन का मतलब हो गया चार कार्बनों के कार्बन नंबर वन पर डबल बॉन्ड, और थ्री पर इन्होंने फिनाइल लगा रखा है. ठीक है ना. तो बाकी हाइड्रोजन से पूरा कर दें आप. CH2 एक है टू फिनाइल ब्यूट वन ब्यूटीन. टू फिनाइल वन ब्यूटीन अगेन, दिस इज टू फिनाइल वन ब्यूटीन, राइट. और एक है वन वन डाइफिनाइल वन प्रोपीन. तो वन वन डाइफिनाइल, ठीक है ना, वन प्रोपीन, ये हो गया. मैं आपको बताता हूं कि किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को जीआई शो करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए. ठीक है ना. जीआई इन सी डबल बॉन्ड सी सिस्ट, इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए. कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होना चाहिए. बट मियरली बाय द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यू कैनॉट बी श्योर वेदर द कंपाउंड इज गोइंग टू शो जीआई. इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप्स. मे बी द सेट ऑफ द ग्रुप इज रिपीटेड ऑन द बोथ साइड्स. डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होना एक कंडीशन है. लेकिन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस मात्र से जीआई होता हो ये आवश्यक नहीं है. ठीक है ना. जीआई होने के लिए जरूरी है कि डबल बॉन्ड के प्रत्येक कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप लगाए जाएं. ये जो दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, यही दोनों का सेट दूसरी ओर रिपीट हो जाए वो चलेगा. ठीक है ना. ये ऐसे हो सकता है कि ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए बी हो जाए. ये ऐसे हो सकता है ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए डी हो जाए, यानी दोनों तरफ एक ही कॉमन हो जाए. या ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी डबल बॉन्ड सी ई डी हो जाए, चारों ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट हो जाए. बट डबल बॉन्ड, ईच इंडिविजुअल डबल बॉन्ड कार्बन मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स, दैट्स द कंडीशन. यानी कि अगर आप ये कहें कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है तो ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा, तो हम कहेंगे ये जी आई शो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का लेफ्ट कार्बन सेम दो दो सेम ग्रुप रखता है, डबल बॉन्ड का राइट कार्बन दो सेम ग्रुप रखता है. अगर मैं कहूं कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करने के काबिल है, तो जरा गौर करें. डबल बॉन्ड के लेफ्ट कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक CH3 और एक H. लेकिन डबल बॉन्ड के राइट कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप है, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो ये जीआई शो करने के लायक नहीं है. Although left carbon of double bond was having full was fulfilling the conditions of GI, but right carbon is not fulfilling the conditions of GI. That's why it will not. ठीक है ना. अगर मैं ये कहूं कि भाई ये compound GI show करेगा या नहीं करेगा, तो check करें. As for the left carbon of double bond is concerned, it is having two different groups, CH3 and H. Even the right carbon of double bond is having two different groups. This compound will show GI. ठीक है ना. अगर मैं कहूं कि भाई Cl CH डबल बॉन्ड CHBr, क्या ये जीआई शो करेगा, तो देख लो. डबल बॉन्ड के लेफ्ट कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डबल बॉन्ड के राइट कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये जीआई शो करने के लायक है. मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वो जीआई तभी करेगा जब इंडिविजुअली हर कार्बन पे, प्रत्येक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों. मेरली बाय द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड यू कैनॉट बी श्योर वेदर द कंपाउंड इज गोइंग टू शो जीआई. For a compound containing double bond will show GI only in case when individually each carbon of the double bond is containing two different groups. Maybe the set is repeated on the other side.
और मे बी ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट. जैसे इसमें आप देखें, इसमें इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है, ठीक है ना. अगर सेम ग्रुप, अगर आइडेंटिकल ग्रुप एट द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो उसको सिस कहा जाएगा. अगर आइडेंटिकल ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो उसको ट्रांस कहा जाएगा. इसमें देखें आप, इसमें अगर मान लीजिए ऐसा हो कि दोनों तरफ एक ही आइडेंटिकल ग्रुप है ए और ए, तो अगर ये सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड हुआ तो सिस बोल देंगे, ये दूसरी साइड सब अपोजिट साइड में हो गया तो ट्रांस बोल देंगे. सिस ट्रांस का फैसला हम तब तक कर सकते हैं जब तक दोनों कार्बनों पर, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पर एक एक ग्रुप आइडेंटिकल हो, तब तक हम सिस ट्रांस का फैसला कर सकते हैं. मान लीजिए ऐसा हो कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पर जो ग्रुप्स लगे हुए वो चारों बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है. जैसे सी डबल बॉन्ड, सी पर इधर लगा हुआ है ए बी, इधर लगा हुआ है ई डी, ऐसे में हम सिस ट्रांस का फैसला नहीं कर सकते. लेकिन ऐसे में हम ई जेड बताते हैं. ई जेड बताने का एक रूल है, सी आई पी रूल बोलते हैं उसको. सी आई पी रूल से हम इन दोनों में से जिसका मॉलिकुलर वेट, जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको सीनियर बोल देते हैं. इसमें से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको सीनियर बोल देते हैं. अगर सीनियर सीनियर सेम साइड हुए तो जेड बोल देते हैं, अपोजिट साइड हुए तो ई बोल देते हैं. लेकिन डबल बॉन्ड के ऊपर जीआई तभी संभव है जब इंडिविजुअली प्रत्येक डबल बॉन्ड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगाए जाए. हम अपने आंसर्स में चेक करते हैं, चेक करें साहब. यहां पर इस कार्बन पर एक एच है और एक ये बेंजाइल ग्रुप है. इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के राइट कार्बन पर एक एच है और एक मिथाइल ग्रुप है. ये देख लो, ये डबल बॉन्ड के कार्बन जो है वो जीआई की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो ये तो जीआई शो करेगा. हमारा आंसर ए आ चुका है. लेकिन हम सारे चेक कर लेते हैं. जैसे इसमें देखें आप, लेफ्ट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ जीआई बिकॉज इट इज हैविंग टू आइडेंटिकल ग्रुप्स. दोनों एच एच हैं तो ये जीआई शो नहीं कर रहा. इसमें देख लें आप, इसमें भी लेफ्ट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इज कंटेनिंग टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो जीआई, ठीक है ना. इसमें देख लें आप, इसमें जो राइट कार्बन है इसके पास दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं. देखें, राइट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ जीआई, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड ऑल्सो विल नॉट शो जीआई, ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, नोट करें.